2019 विश्व कप का पहला मैच पे मेजबान इंग्लैंड ने मान ली है बाजी। उनका सफर शुरू हुई है जीत के साथ, लेकिन दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका को मिली है एक करारी हार। तो फिर क्रिकेट पानी पे आज बात करेंगे। जो पहला मैच खेला गया एक बड़ी मैच था, एक कांटे का मुकाबला था, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का पहला मैच जिसके लिए सभी क्रिकेट प्रेमियों को इंतजार थी। लेकिन क्रिकेट पानी पे क्या हो रहा है, क्रिकेट पानी पे आ चुकी है वर्ल्ड कप का तेवर। क्रिकेट पानी बनाना चाहता है वर्ल्ड कप से पहले उसका एक छोटी सी फैमिली, तो फिर जुड़ जाइए, इसको फॉलो कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन का घंटी है उसको भी आप थोड़ी सी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट वाणी आपके सामने सबसे पहले आ सके। मैच के बारे में करते हैं बात है। ये मैच बहुत कमाल की मैच थी, दर्शक का खचाखच भरा हुआ था ओवल के ग्राउंड पे। टॉस जीता फाइव टू प्लेसिस ने और गेंदबाजी की निस्पत्ति, दोनों सलामी बल्लेबाज उतरे बल्लेबाजी करने के लिए। जनी वरिष्ठ आईपीएल पे क्या धुआंधार फॉर्म पे थे, ऐसा लगा कि ये शायद जो वर्ल्ड कप का सफर इनके लिए शुरू होएगा। एक ताबड़तोड़ इनिंग से साथ उनके साथ थे जैसन रॉय, लेकिन सामने पे थे इमरान ताहिर, क्योंकि चतुर कप्तान ने पहली ओवर स्पिनर इमरान ताहिर, अनुभवी इमरान ताहिर जो कि आईपीएल पे सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर थे, अच्छी ले पे थे, तो फिर विकेट चटकाया उन्होंने इंग्लैंड का जनी बैरिस्टो का जो फॉर्म पे थे। लेकिन ऐसा लगा कि इंग्लैंड टीम यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल करेगा, क्योंकि पहली ओवर पे पहली सफलता ले ली थी साउथ अफ्रीका। लेकिन जेसन राय, जो रूट, ये जो रूट के पास अनुभव था जेसन राय, ये पावर प्ले का बहुत काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और अटैकिंग बल्लेबाज है, छक्का के ऊपर ये विश्वास रखते हैं, आउट ऑफ द ऑफसाइड ये बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं। उनका बल्ला चला और क्या खूब चला, क्या स्टाइलिश अंदाज से वो अपनी पहला ये टूर्नामेंट पे पहला अर्धशतक अर्जित की और दूसरे तरफ भी हाफ सेंचुरी देखने के लिए मिला। जो रूट एक अच्छी साइन है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि जो रूट को सभी बोलते हैं ये बहुत धीमे खेलते हैं, लेकिन ये धीमे नहीं खेलते हैं, ये जब भी खेलते हैं फिर ये कुछ अलग देखते हैं। ये रूट कर गेंदबाज को काटता है। तो फिर उसके बाद थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी हुई इमरान ताहिर के विकेट, एक विकेट लेने के बाद एक बड़ी साझेदारी बना 100 रन का, लेकिन रपाड़ा और लुंगी इंगड़ी इन्होंने प्रभावित की है। 3 विकेट इंगड़ी के नाम पे, रपाड़ा के नाम पे 2 विकेट, क्योंकि चोटिल थे रपाड़ा, उतना उम्मीद नहीं था कि चोटिल, जब भी कोई तेज गेंदबाज होता है उसका रिदम सही तरीके से नहीं आता है, लेकिन उस रिदम के साथ वो देखे और अच्छी ठिकाने पर गेंद डाल रहे थे। जब भी वो पार्टनरशिप टूटा है, एक बड़ी पार्टनरशिप है, यान मोड्रान आए खुद कप्तान इंग्लैंड का, उन्होंने भी एक ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली 50 रन की। उसके बाद ये जैसे जैसे खेल आगे चलता गया, बेन स्टोक ने आके एक कमाल की पारी खेली, क्योंकि बेन स्टोक जो आउट ऑफ फॉर्म पे थे आईपीएल पे, वो पहला मैच पे अपनी दावेदारी पेश की है। क्यों इसको बोला जाता है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर और ये बेहतरीन ऑलराउंडर का उन्होंने पूरी तरीके से पुख्ता की है, क्योंकि वर्ल्ड कप पे लगा दी अपना पहला हाफ सेंचुरी, शतक से चूक रह गए, लेकिन जो काम था गेंदबाजी पे उसको भी कर लिए पूरा। तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि इंग्लैंड के पास वन डोमिनेशन वाला प्लेयर नहीं है, इनका 11वें नंबर तक बल्लेबाज जो छक्का मारने की काबिलियत रखता है, स्कोर बना दिए 311। आप एक बात शायद यकीन नहीं करेंगे, 2015 के बाद इनका तैयारी शुरू हुआ था वर्ल्ड कप का और कुल मिलाकर इन्होंने 39 बार 300 की आंकड़ा छुए हैं। तो एक जो अचीवमेंट है ये बहुत कमाल की अचीवमेंट देखने के लिए मिली है इंग्लैंड क्रिकेट से, क्या अंदाज से खेल रही है, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी यूनिट इनके पास है। मौका आया फैफ डु प्लेसिस के धुरंधर के पास बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन 311 रन के पीछा करना वर्ल्ड कप के पहले मैच पे दबाव रहता है दोनों ओपनर के ऊपर। डिकॉक ने अच्छा खेला, जो आईपीएल का फॉर्म था उसको दोबारा दिखाया अपनी कंट्री के लिए। हासिम अमला जो अनुभव का बात करते हैं, उनका बल्ला नहीं बोला क्योंकि अच्छी गेंदबाजी की लाइन बंकलेट ने चलता किया था उनको, जो प्राचर अच्छी
गेंदबाजी की है, उनका जो स्पिनर मोइन अली आदिल रशीद को भी एक एक विकेट मिला, तो फिर इनके पास वो गहराई है, चाहे आप बल्लेबाजी पे देखें चाहे वो गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर लग रहा था, लेकिन जो आर्चर जब से इस टीम के साथ जुड़े हैं ये कमाल का टीम लग रही है। तो साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा बल्लेबाजी की है डॉसन ने, उनका भी एक हाफ सेंचुरी देखने के लिए मिला, तो यहाँ से थोड़ी सी सीख लेगा क्योंकि साउथ अफ्रीका एक दिल जीतने वाली टीम है, ये आज तक कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, सेमीफाइनल तक गया है लेकिन फाइनल से ये कभी भी उसका स्वाद नहीं चाख पाया है। लेकिन इंग्लैंड भी था, क्योंकि इंग्लैंड भी इस इंग्लैंड ये क्रिकेट का जन्मदाता है, लेकिन उन्होंने भी वर्ल्ड कप नहीं जीता था, लेकिन इस साल का जो शुरुआत अपने घर पर लड़ाई करेंगे तो फिर उम्मीद है, इनको इसीलिए बोला जाता है फेवरेट इस साल जो वर्ल्ड कप हो रहा है, तो फिर इंग्लैंड का जादू बिखरेगा। आपको क्या करने का है, आप क्रिकेट वाणी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसको शेयर करें, फॉलो करें और जुड़ जाइए क्रिकेट वाणी के साथ, क्योंकि क्रिकेट वाणी बनाना चाह रहा है वर्ल्ड कप से पहले अपनी एक छोटी सी फैमिली। तो फिर खुदा हाफिज़ और गुड नाइट।